इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि अगर आपका भी बैंक अकाउंट इलाहाबाद बैंक में है तो फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपने इलाहाबाद बैंक का पासबुक कैसे देख सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका इलाहाबाद में बैंक अकाउंट है तो दोस्तों आपके फ़ोन में निश्चित तौर पर इलाहाबाद बैंक का ऑफिशियल ऐप एम्पावर इंस्टॉल होगा। और फ्रेंड्स अगर इंस्टॉल नहीं है तो फ्रेंड्स आपको चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च बार में टाइप करना है एम्पावर ऐप, उसके बाद फ्रेंड्स ये ऐप जो है आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने बैंक अकाउंट को इस ऐप से लिंक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों जब आप अपने बैंक अकाउंट को इस ऐप में रजिस्टर करेंगे तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस ऐप में लॉग इन करने के लिए आपको अपना यहाँ एम पिन डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर सबसे पहले अपना एम पिन डाल लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपना एम पिन डाल देता हूँ। एम पिन डालने के बाद आपको यहाँ लॉग इन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप इस ऐप में लॉग इन कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आपको अपने इलाहाबाद बैंक का पासबुक देखने के लिए फ्रेंड्स आपको नीचे यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा बैंकिंग का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एम पासबुक का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट योर अकाउंट का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, तो फ्रेंड्स एक बार आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके इलाहाबाद बैंक अकाउंट का पासबुक आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे पासबुक का जो पहला पेज है वो यहाँ आ गया है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने पासबुक का दूसरा पेज देखना है तो उसके लिए आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके पासबुक का दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपको दूसरा पेज ओपन करना है तो फ्रेंड्स आप यहाँ इस वाले आइकन पर क्लिक करिए। उसके बाद आपका दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अगर तीसरा करना है तो फिर से इस पर क्लिक करिए। अगर चौथा पेज ओपन करना है तो इस पर क्लिक करिए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप जो है अपने पासबुक का सारा पेज यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने इलाहाबाद बैंक का पासबुक अपने मोबाइल फोन में देख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।